नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ युवान स्टडी पॉइंट में। और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है हिंदी व्याकरण की, जिसमें आज का टॉपिक है बर्तनी। और ये टेस्ट सीरीज़ है UPRO रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए। आज का हमारा टेस्ट है टेस्ट नंबर 13। अगर इससे पहले के टेस्ट आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ के साथ हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए है शताब्दी, बी है शताब्दी, सी है शताब्दी और डी है शताब्दी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है शताब्दी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए है त्रिदोष, त्रिदोष, बी है त्रिदोष, सी है त्रिदोष और डी है त्रिदोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है त्रिदोष। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए है परिणत, बी है परिणत, सी है परिणति और डी है परिणति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है परिणति। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए है उद्योगीकरण, बी है औद्योगीकरण, सी है औद्योगीकरण और डी है औद्योगीकरण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है औद्योगीकरण। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी चयन करनी है। इन चारों में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए है महत्व, बी है वाल्मीकि, सी है पैतृक और डी है सन्यासी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सन्यासी। ये जो सन्यासी है ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, और इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वह सन्यासी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसके अंदर। यहाँ अंकी बिंदी आएगी और यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं है, तो जो शुद्ध वर्तनी है वह है स अंकी बिंदी आधा ना या आगा डंडा स और बड़े की मात्रा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, आपको इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है काली दास, बी है गायिका, सी है गृहित और डी है घृत। और इसमें जो सही उत्तर है वो है ए, काली दास। काली दास जो है वो क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। देखिए काली दास की जो शुद्ध वर्तनी है वो है कालिदास, मतलब यहाँ पर लापर होगी छोटी की मात्रा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जिसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है सतत, बी है साहित्यिक, सी है सृजन और डी है ऋषिकेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सतत। सतत जो है वो एक अशुद्ध वर्तनी है, और इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है स त और ता के आगे हलंत, सतत। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ए है संचार, बी है समीक्षा, सी है जो तीसरा है वो है संवाद और चौथा है विद्वान। आपको बताना है कि केवल एक व दो, बी है केवल दो व तीन, सी है केवल तीन और डी है केवल तीन व चार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है केवल तीन। केवल तीन जो है संवाद वो शुद्ध वर्तनी है, बाकी की तीनों जो है वो अशुद्ध हैं। देख लीजिए जो संचार है उसमें क्या होगा, शुद्ध वर्तनी होगी इसकी संचार, यहाँ पर अंकी बिंदी आएगी ना कि ना आएगा। और समीक्षा जो है उसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है समीक्षा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। और विद्वान जो है उसकी शुद्ध वर्तनी है विद्वान, जो ना है उस पर हलंत आएगा। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है इन चारों में से, ए है सॉरी पहला है सौजन्यता, दूसरा है सृजन, तीसरा है सर्वस्व और चौथा है सहिष्णु। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है केवल एक व तीन, बी है केवल दो व तीन, सी है केवल एक तीन व चार और डी है सभी एक दो तीन चार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी एक दो व तीन, सॉरी एक दो तीन व चार। ये जो चारों हैं, ये चारों जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं, अशुद्ध हैं। देखते हैं, देखिए सौजन्यता जो है उसकी शुद्ध वर्तनी है सौजन्य, और जहाँ जो सृजन है उसकी जो सृजन की है उसकी शुद्ध वर्तनी होती है सृजन, और जो सर्वस्व है उसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी सर्वस्व, ना कि या होगा, यहाँ पर वा होगा। ऐसे ही सहिष्णु जो है उसकी शुद्ध वर्तनी होगी सहिष्णु, यहाँ पर क्या है, हा पर छोटी की मात्रा आएगी।
चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए है पौरुष, बी है पूजनीय, सी है पोषक और डी है प्रेयसी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है प्रेयसी। देखिए प्रेयसी जो है वो शुद्ध वर्तनी है, जबकि पूजनीय जो है उसकी शुद्ध वर्तनी होती है पूजनीय। ऐसे ही पोषक जो है उसकी शुद्ध वर्तनी होती है पोषक। ऐसे ही जो पौरुष होता है पौरुष, उसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है पौरुष। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।